नमस्कार दोस्तों, अभी अभी बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जी आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही जो बाइडेन ने मुसलमानों सहित भारतीयों को लेकर बहुत बड़ा ऐलान किया है। जी दोस्तों, बाइडेन के इस ऐलान के बाद हर तरफ खुशी की लहर छा गई है। जी दोस्तों, इसी के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी राष्ट्रपति की तरफ से बड़ी बात कही गई है। जी दोस्तों, जो बाइडेन ने राष्ट्रपति बनने के बाद क्या ऐलान किया है आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनते ही उनको एक पत्र लिख दिया है और पत्र लिखते हुए बड़ी बात कह दी है। जी दोस्तों, जो बाइडेन ने क्या ऐलान किया है आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको क्या लगता है, डोनाल्ड ट्रंप की जगह जो बाइडेन के नए राष्ट्रपति बनने से क्या पूरा देश खुश है? क्या जो बाइडेन से हर समाज खुश रहेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को अपना एक लाइक जरूर दें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का फल होता है। साथ ही इस वीडियो को शेयर भी करें। जी दोस्तों, आपको बता दें, जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप को मात देते हुए अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं। जी आपको बता दें, जो बाइडेन को कुल 290 इलेक्ट्रल वोट्स मिले हैं, वहीं डोनाल्ड ट्रंप को 214 इलेक्ट्रल वोट्स ही मिले हैं। आपको बता दें, राष्ट्रपति बनने के लिए 270 का आंकड़ा छूना होता है, जिसमें जो बाइडेन ने बाजी मार ली है। 290 इलेक्ट्रल वोट जीतकर वो अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। वहीं साथ ही आपको बता दें, भारतीय मूल की महिला कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति होंगी। कमला हैरिस दफ्तर संभालने वाली पहली महिला होंगी। जी आपको बता दें, एपी ने बिडेन की जीत का ऐलान कर दिया है। यह पेंसिल्वेनिया में बाइडेन की जीत के बाद हुआ है, जिसके बाद 20 इलेक्ट्रल वोट्स बिडेन के खाते में गए हैं। आपको बता दें, डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन के खाते में कुल 290 इलेक्ट्रल वोट्स गए हैं। जी आपको बता दें, अमेरिका इतिहास में राष्ट्रपति पद के लिए ट्रंप के साथ कड़े मुकाबले में जो बाइडेन को ऐतिहासिक जीत मिली है। जीत के बाद निर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ जश्न मनाते हुए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि मैं लोगों को बांटने नहीं, जोड़ने का काम करूंगा। उन्होंने संकल्प व्यक्त किया है कि वह सभी अमेरिकियों के राष्ट्रपति होंगे। उन्होंने गहरे तक ध्रुवीकृत हुए देश में विनाश के गंभीर दौर को तत्काल खत्म किए जाने का आह्वान भी किया है। आपको बता दें, आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में हुए हाउडी मोदी कार्यक्रम के दौरान वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के लिए प्रचार किया था। प्रचार करते हुए बोला था कि अब की बार ट्रंप सरकार। लेकिन इस बार ट्रंप मोदी के प्रचार के बाद भी राष्ट्रपति नहीं बन पाए। जो बाइडेन ने उन्हें कड़ी टक्कर देते हुए भारी अंतरों से हरा दिया है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने पर और साथ ही भारतीय मूल की कमला हैरिस को अमेरिका के उपराष्ट्रपति बनने पर बधाई दी है। बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि बधाई हो जो बाइडेन, आपकी शानदार जीत पर। उपराष्ट्रपति के रूप में भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने में आपका योगदान महत्वपूर्ण और अमूल्य था। मैं भारत अमेरिका संबंधों को अधिक से अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक बार फिर साथ मिलकर काम करने की आशा करता हूँ। हालांकि आपको बता दें, भारतीय मूल की महिला कमला हैरिसन जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनी गई हैं, वो कई बार प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा की नीतियों का विरोध भी कर चुकी हैं। उन्होंने 370 का भी कड़ा विरोध किया था और इसे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सही नहीं ठहराया था। हालांकि पीएम मोदी ने अब उन्हें बधाई दी है। लेकिन आपको बता दें, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनते ही जो बाइडेन ने 5 लाख से अधिक भारतीयों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। जी आपको बता दें, अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत के सभी धर्मों के नागरिक, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी को लेकर ऐलान करते हुए कहा है कि 5 लाख भारतीयों समेत लगभग 1,10,00,000 ऐसे अप्रवासियों को अमेरिका का नागरिकता प्रदान करने के लिए रोड मैप तैयार करेंगे, जिसके पास दस्तावेज भी नहीं है। इसके अलावा वह सालाना यानी हर साल कम से कम 95,000 शरणार्थियों को अमेरिका में प्रवेश दिलाने की प्रणाली भी बनाएंगे। जो बाइडेन के अभियान द्वारा जारी एक नीतिगत दस्तावेज में यह जानकारी दी गई है। दस्तावेज में कहा गया है कि बाइडेन जल्द ही कांग्रेस में एक आव्रजन सुधार कानून पारित कराने पर काम शुरू करेंगे, जिसके जरिए हमारी प्रणाली को आधुनिक बनाया जाएगा। इसके तहत 5 लाख से अधिक भारतीयों समेत लगभग 1,10,00,000 ऐसे अप्रवासियों को अमेरिका की नागरिकता प्रदान करने का रोड मैप तैयार किया जाएगा, जिसके पास दस्तावेज नहीं है। दस्तावेज के अनुसार वह अमेरिका में सालाना
125,000 शरणार्थियों को प्रवेश देने का लक्ष्य निर्धारित करेंगे। इसके अलावा वह सालाना न्यूनतम 95,000 शरणार्थियों को देश में प्रवेश दिलाने के लिए कांग्रेस के साथ काम करेंगे। जहां पता चले बाइडेन से पहले 4 सालों तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी फर्स्ट का नारा देते हुए प्रवासियों को नागरिकता देने के नियमों को कठोर कर दिया था। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जो बाइडेन प्रचार अभियान द्वारा जारी एक नीति पत्र में यह भी कहा गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडेन का प्रशासन भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाने में मदद करने, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग जारी रखने जैसे कदमों के साथ भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत करने को उच्च प्राथमिकता देगा। जी आपको बता दें, अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने रिपब्लिकन पार्टी के अपने प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप को कड़े मुकाबले में भारी अंतरों से हरा दिया है। अब माना जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन के पास अमेरिका और भारत के बीच संबंधों को मजबूत करने के उनके 14 साल पुराने ख्वाब को पूरा करने का एक मौका है। इसे पुराना ख्वाब इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो बाइडेन ने दिसंबर 2006 में एक समाचार पत्र में बातचीत में कहा था कि मेरा ख्वाब है कि 2020 में दुनिया के दो सबसे करीबी मुल्क भारत और अमेरिका हो। अगर ऐसा होता है तो दुनिया पहले से अधिक सुरक्षित होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान भी बाइडेन के प्रचार अभियान द्वारा जारी एक नीति पत्र में भी यही बात दोहराई गई है और बताया गया है कि वह इसे कैसे अमल में लाएंगे। हालांकि आपको बता दें, जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनते ही कई देशों ने उन्हें बधाई संदेश भेजना शुरू कर दिया है। यहां तक कि नहीं, जो बाइडेन के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने पर पाकिस्तान में जमकर खुशियां मनाई गई हैं। हालांकि जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने से भारत और अमेरिका के बीच भविष्य में कैसे रिश्ते रहेंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन अब वो डोनाल्ड ट्रंप को भारी अंतरों से हराते हुए अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं। जी आपको बता दें, जो बाइडेन को अब तक 75 मिलियन से भी ज्यादा वोट मिल चुके हैं, वहीं डोनाल्ड ट्रंप को 70 मिलियन प्लस वोट मिले हैं। जो बाइडेन अमेरिकी इतिहास में ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिन्होंने पूरे अमेरिकी इतिहास में सबसे ज्यादा वोट हासिल किए हैं। वोट पाने के मामले में जो बाइडेन ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और बिल क्लिंटन को भी पीछे छोड़ दिया है। हालांकि आपको बता दें, अभी तक कई इलेक्टोरल वोट्स पर नतीजे सामने नहीं आए हैं, जिनमें नॉर्थ कैरोलिना की 15 इलेक्टोरल वोट्स, जॉर्जिया की 16 इलेक्टोरल वोट्स और अलास्का की 3 इलेक्टोरल वोट्स शामिल हैं। इन सबके नतीजे अभी फाइनल नहीं हो पाए हैं। माना जा रहा है कि इन सबके नतीजे आने के बाद जो बाइडेन 290 प्लस इलेक्टोरल वोट्स भी पा सकते हैं। वहीं आपको बता दें, जो बाइडेन के अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनते ही और कमला हैरिसन के उपराष्ट्रपति बनते ही कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उन्हें पत्र लिखा है और तारीफ भी की है। जी आपको बता दें, अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन को कांग्रेस ने जीत की बधाई दी है। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि प्रचार अभियान के दौरान बाइडेन द्वारा दिए गए भाषण में लोगों के बीच विभाजन को भरने पर जोर दिया जाना बेहतर भविष्य के प्रति आश्वस्त करता है। सोनिया गांधी ने उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुई कमला हैरिस को भी बधाई दी है और साथ ही सराहना की है। सराहना करते हुए कहा है कि यह अश्वेत अमेरिकियों और भारतीय अमेरिकियों की जीत है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि वह जानती है कि हैरिस बटे हुए राष्ट्र को एक करने के लिए काम करेंगी। सोनिया गांधी ने अपने पत्र में जो बाइडेन, जो कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं, और कमला हैरिस को अपने लिखे हुए पत्र में शुभकामनाएं दी हैं। बाइडेन को लिखे पत्र में सोनिया गांधी ने कहा है कि पिछले 12 महीनों के दौरान दुनिया के लाखों लोगों की तरह भारत के लोगों ने भी अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया को गौर से देखा। उन्होंने कहा कि हम आपके भाषण लोगों के बीच विभाजन को भरने पर जोर देने और लैंगिक तथा नस्लीय समानता और वैश्विक सहयोग तथा देशों की सतत विकास को प्रोत्साहित करने पर बल देने से भविष्य के प्रति आश्वस्त हुए हैं। सोनिया गांधी ने कहा है कि भारतीय लोगों की भी यही चिंताएं हैं और हमें विश्वास है कि भारत और अमेरिका दोनों देशों के लोगों के कल्याण के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। कमला हैरिस को लिखे पत्र में सोनिया गांधी ने कहा है कि उनकी जीत अमेरिकी संविधान में निहित मूल्यों, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और लैंगिक तथा नस्लीय समानता की जीत है। उन्होंने कहा कि यह अश्वेत अमेरिकियों और भारतीय अमेरिकी
नागरिकों की जीत है। यह मानवता, सहृदयता और समावेश की जीत है जिनके लिए आप सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में संघर्ष किए हैं। वहीं आपको बता दें, अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के साथ ही वहाँ नौकरी या अस्थायी नागरिकता का सपना देख रहे लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की H-1B वीजा और ग्रीन कार्ड योजना से हजारों भारतीयों के भी लाभ होगा। हर साल H-1B वीजा का 70% कोटा भारतीयों के खाते में ही जाता रहा है। भारतीय मूल की कैमला हैरिस के साथ बाइडेन से उम्मीद है कि वह ट्रंप प्रशासन के दौरान H-1B वीजा धारकों के पति या पत्नी के वर्क परमिट पर लगी रोक खत्म कर देंगे। बाइडेन की योजना H-1B समेत हाई स्किल वाले वीजा का कोटा बढ़ाने की भी है। बाइडेन ऐसे वीजा में हर देश के निर्धारित कोटे को भी खत्म कर सकते हैं। ट्रंप प्रशासन के दौरान अप्रवासियों पर लगाए गए अंकुश का भारतीय प्रतिभाओं पर बुरा असर पड़ा है। बाइडेन के चुनाव वादों से जुड़े दस्तावेजों के मुताबिक बाइडेन अमेरिकी संसद कांग्रेस के साथ अस्थायी वीजा कार्यक्रमों के सुधार पर काम करेंगे। यह श्रम बाजार की मांग पर आधारित होगा, लेकिन इसका इस्तेमाल नौकरियों के वेतन में कमी लाने के लिए नहीं किया जा सकेगा। बाइडेन उच्च कौशल यानी हाई स्किल वीजा बढ़ाने और किसी देश के लिए कोटा निर्धारित करने की प्रणाली खत्म करने के समर्थक हैं, क्योंकि इस कारण अनावश्यक आवेदनों का बोझ बढ़ता है। H-1B वीजा तहत अमेरिका में कार्यरत स्थानीय और विदेशी कंपनियां IT और अन्य क्षेत्रों में हाई स्किल वाले पेशेवरों को अस्थायी तौर पर नियुक्त करती है। उनका वेतन प्रायः उसकी नौकरी के लिए किसी अमेरिकी की नियुक्ति से काफी कम होता है। हालांकि माना जा रहा है कि जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप द्वारा लगाए गए कई नियमों पर प्रतिबंध हटाया भी जा सकता है। हालांकि ऐसा अभी तक डेमोक्रेटिक पार्टी या फिर जो बाइडेन के प्रचार दस्तावेजों के मुताबिक ऐसा अभी तक कहा नहीं गया है, लेकिन माना जा रहा है कि ऐसा हो सकता है।